ग्यारहवीं कक्षा के अंतर्गत इकाई दो अध्याय फोर व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत अभी हमने पहले देखा था कि एकल स्वामित्व या एकल व्यवसाय क्या कहलाते हैं। तो ऐसा व्यवसाय जो एक अकेले व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें उसकी पूंजी उसकी स्वयं की लगी होती है अकेले की, साथ ही व्यवसाय के समस्त लाभ हानि का जिम्मेदार वही होता है, व्यवसाय की जोखिम उसी के द्वारा उठाई जाती है, तो ऐसा व्यवसाय जो है एकल स्वामित्व या एकल व्यवसाय कहलाता है। दूसरा जो स्वरूप के अंतर्गत हम आज यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय और साझेदारी। तो यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, उसके गुण व दोष क्या हैं, साथ ही साझेदारी का अर्थ व परिभाषा, साझेदारी क्या है, साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं, साझेदारी के गुण व दोष, इनका अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे इन दो बिंदुओं का, जिसमें संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय और साझेदारी व्यवसायिक संगठन स्वरूप के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है हमारे सामने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक परिवार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला व्यवसाय वो कहलाता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है व्यवसायिक संगठन का एक ऐसा स्वरूप है जो केवल भारत में ही देखने को मिलता है। हमारे देश में यह इसका जो रूप है वो प्राचीनतम कहा जा सकता है। ऐसा व्यवसाय हिंदू कानून के अंतर्गत चलाया जाता है तथा इसमें भाग लेने वालों का संबंध जो है जन्म और स्थिति से बनता है, ना कि परस्पर समझौते या अनुबंध से। ये व्यवसाय परिवार के पास उत्तराधिकारी कानून के द्वारा पिता, दादा या परदादा से वंशानुगत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि इस व्यवसाय में जो सदस्यता है वो परिवार के सदस्यों को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। तो इसमें जो भी सदस्य होते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, इसमें जो उत्तराधिकार है वंशानुगत रूप से सदस्यों को प्राप्त होता है, जैसे दादा से पिता को, पिता से उसके पुत्र को, इस क्रम में जो है उत्तराधिकार प्राप्त होता रहता है, ये कहलाता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। अब यहाँ पर हम आशा देखेंगे कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिस पर संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों का स्वामित्व होता है तथा वही इसका संचालन करते हैं। व्यवसाय का यह स्वरूप कानून के द्वारा शासित होता है। संयुक्त हिंदू परिवार में वे सभी सदस्य आते हैं जो कि एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। इस परिवार को सहभागिता तथा प्रत्येक हिस्सेदार को हम सहभागी कहते हैं। प्रत्येक सहभागी को पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा जन्म से प्राप्त हो जाता है। प्रायः इसमें केवल पुरुष ही भागीदारी हो सकते हैं, परंतु 1956 के हिंदू उत्तराधिकारी कानून के अनुसार यदि पुरुष सहभागी की मृत्यु हो जाती तो उसका कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो स्त्री सहभागी के रूप में अपना हिस्सा वो प्राप्त कर सकती है। इस व्यवसाय के स्वरूप को हम कहते हैं हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय भी कहा जाता है। ऐसे व्यवसाय का प्रबंध जो है संचालन परिवार के वरिष्ठ सदस्य ओल्डेस्ट मेंबर जो सबसे सीनियर है उसके द्वारा किया जाता है, जिसको हम कर्ता या मुखिया कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है एक परिवार के द्वारा संचालित किया जाने वाला व्यवसाय है, जिसमें व्यवसाय में भविष्य में उत्तराधिकारी जो कानून है उत्तराधिकार उनको कम से अपने वंश क्रम से प्राप्त होता है, और इसमें संयुक्त हिंदू परिवार में जो सदस्यों का स्वामित्व है वही सभी मिलकर आपस में इसका संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह संयुक्त हिंदू परिवार कहलाता है। हो गया सर, इसको संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की ये हम देखेंगे या इसकी लक्षण क्या है। जैसा कि पहले दिख रहा हमें यहाँ पर जन्म से सदस्यता, जब भी कोई संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्यता जो है एक बालक जन्म से ही स्वतः उसको प्राप्त हो जाती है। यदि कोई बालक उस परिवार में जन्म लेता है तो
इस व्यवसाय की सदस्यता उसको जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए बालक के बड़े होने का या उसके बालिग होने पर कोई समझौता या अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो जन्म से ही उसको सदस्यता प्राप्त हो जाती है। दूसरा जो है विधान, अलग से विधान लागू होता है। इस व्यवसाय का हिंदू कानून लागू होता है, इसमें कोई अन्य अधिनियम लागू नहीं होते, इसमें संयुक्त हिंदू परिवार अधिनियम ही लागू होता है। फिर प्रबंध की व्यवस्था जो है, इसमें व्यवसाय का प्रबंध जो है परिवार के मुखिया या कर्ता के द्वारा किया जाता है, या सबसे बड़ा मेंबर जो सदस्य उस परिवार का है उसके द्वारा किया जाता है, और उसी का इस संपूर्ण व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण होता है। फिर दायित्व की बात करें हम, तो इस व्यवसाय में कर्ता का दायित्व जो होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है, अर्थात व्यवसाय के दायित्व का भुगतान करने हेतु उसकी व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु अन्य सहभागियों का दायित्व उसके अंश तक सीमित होता है। यहाँ पर जो मुख्य संचालन करता है, जो मुखिया है, व्यवसाय के जो दायित्व हैं उनका भुगतान करने का दायित्व उसके लिए असीमित होता है, किंतु जो अन्य सदस्य हैं, परिवार के अन्य मेंबर हैं, उनका दायित्व जो है, उनका जो हिस्सा है उसमें, वहाँ तक सीमित रहता है। फिर स्थायित्व की बात करें हम, इस व्यवसाय में कर्ता की मृत्यु होने पर अगला वरिष्ठ सदस्य कर्ता बनकर व्यापार का प्रबंध व नियंत्रण करता है। इस प्रकार व्यवसाय में स्थायित्व बना रहता है। यदि परिवार का मुखिया जो व्यवसाय का संचालन कर रहा है, यदि वो हट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वरिष्ठ सदस्य है वो उस व्यवसाय का कर्ता बनकर उसका संचालन करता है। इसके पश्चात पंजीकरण, ऐसे व्यवसाय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, ये कानून के द्वारा शासित होता है। फिर हिसाब किताब मांगने का अधिकार, संयुक्त हिंदू परिवार में व्यवसाय में सदस्यों को परिवार के कर्ता से व्यवसाय का हिसाब किताब मांगने का अधिकार नहीं होता है। जो अन्य सदस्य हैं वे अपने कर्ता से, मुखिया से हिसाब किताब नहीं मांग सकते। इसके अलावा अनुबंध का अधिकार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की ओर से कर्ता के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को अनुबंध करने का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ व्यवसाय में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भले ही उस व्यवसाय के सदस्य हैं, लेकिन उनको अनुबंध करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता। यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की ओर से जो उसका मुखिया है उसी के द्वारा अनुबंध करने का अधिकार उसको होता है। स्वरूप में तीसरा बिंदु हमारे सामने आता है साझेदारी। पहला बिंदु जो हमने देखा था एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय, दूसरा बिंदु हमने देखा था संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, अब यहाँ पर तीसरा बिंदु जो आता है वो है साझेदारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं कि एकल स्वामित्व के व्यवसाय में पूंजी प्रबंध विशिष्टीकरण आदि की समस्या के कारण बड़े आकार के व्यवसाय का संचालन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में पूंजी की मात्रा सीमित होती है, प्रबंध का व्यवस्था प्रबंध संचालित करने वाले सीमित होते हैं, और भी जो व्यवसाय के संचालन से संबंधित कार्य हैं उनके पूरा करने की समस्याएं यहाँ पर सामने आती हैं। तो एक अकेले व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय का संचालन बड़े आकार का संभव नहीं हो पाता। तो इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है कि कुछ लोग मिलकर व्यवसाय चलाएं। इसके लिए संयुक्त रूप से पूंजी भी एकत्रित करें और मिलजुल कर प्रबंध की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय का जो जन्म है वो एकाकी व्यवसाय के दोषों को दूर करने के लिए हुआ है। अब यहाँ हम जानते हैं कि साझेदारी वास्तव में क्या कहलाती है। साझेदारी जो है, साझेदारी अर्थात बराबर बराबर के अधिकार में, साझेदारी व्यवसाय जो है इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति एक वैधानिक व्यवसाय को चलाने तथा उसके लाभ में हिस्सा बांटने का समझौता करते हैं। ऐसा व्यवसाय या तो वे सब मिलकर करते हैं, या उनमें से कुछ कोई एक करता है, या सबकी ओर से व्यवसाय का कोई अन्य संचालन करता है।
जो लोग ऐसे व्यवसाय का चलाने का समझौता करते हैं वे कहलाते हैं साझेदार, तथा व्यवसायिक संस्था को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, साझेदारी फर्म। तो एक लाभ कमाने की इच्छा से जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए आपस में सहमत हैं जो उन सब की ओर से या किसी और के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाएगा, तो वो कहलाता है साझेदारी द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय। अब यहाँ पर जो साझेदारों का समूह है वो किसका रूप होता है, एक साझेदारी फर्म का। यहाँ पर हैने ने कहा है साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से एक व्यवसाय को मिलकर चलाने का अनुबंध किया है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से एक व्यवसाय को मिलकर चलाने का जो अनुबंध कुछ लोगों के द्वारा किया गया है उनके बीच का जो संबंध है वो साझेदारी है। फिर किम्बाल के अनुसार एक साझेदारी या फर्म जैसा कि उसे प्रायः कहा जाता है व्यक्तियों का एक समूह जिन्होंने किसी उपक्रम को चलाने के लिए मिलकर पूंजी अथवा सेवाओं को लगाया है। फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो एक व्यवसाय के लाभ को आपस में विभाजित करने के लिए सहमत हैं और यह व्यवसाय सभी व्यक्तियों के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ हम कह सकते हैं कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐच्छिक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे वैधानिक व्यवसाय को लाभ को बांटने के लिए समझौता किया है जिसका संचालन उन सभी के लाभों के लिए होता है। साझेदार में जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं वे साझेदार कहलाते हैं। सभी साझेदारों को हम सामूहिक रूप से फर्म या सार्थ कहते हैं। जिस नाम से व्यवसाय करते हैं वह फर्म का नाम कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना यहाँ पर कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लाभ कमाने के लिए एक ऐच्छिक समझौता है, अनुबंध है, जिसके माध्यम से वे लोग आपस में मिलकर व्यवसाय को संचालित करते हैं और उनका जो समूह है वो फर्म का एक रूप होता है। यहाँ पर है साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण। तो यहाँ हमने देखा साझेदारी कम से कम दो, अधिक से अधिक 20, बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 हो सकते हैं। दूसरा समझौता, समझौता जो है वो लिखित या मौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है। लिखित की दशा में साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है। फिर व्यवसाय, साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है, साथ ही व्यवसाय का वैधानिक होना भी आवश्यक है। अर्थात जो साझेदारी समझौता हो रहा है उसके लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है और ये व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। उद्देश्य, तो आवश्यक है कि जो भी साझेदारी समझौता हुआ है साझेदारों के बीच में उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना। यदि साझेदारी व्यवसाय लाभ प्राप्ति के लिए नहीं है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। अर्थात यहाँ पर जो उद्देश्य है साझेदारी बनाने का वो कैसा होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, लाभ कमाने का होना चाहिए। यदि साझेदारी समझौते का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। फिर व्यवसाय का संचालन, इसके अंतर्गत जो है व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा आपस में मिलकर या उनकी आपसी सहमति के आधार पर किसी तय साझेदार के द्वारा संचालन किया जा सकता है। कोई एक साझेदार भी फर्म का संचालन कर सकता है। फिर फर्म व एजेंट का संबंध, साझेदार और फर्म, इन दोनों के बीच में फर्म और एजेंट के का आपस में संबंध होता है। अर्थात प्रत्येक साझेदार के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो फर्म के द्वारा किया गया माना जाता है और वहीं जो कार्य फर्म की ओर से किया जाता है वो साझेदारों की ओर से किया गया माना जाता है। अर्थात यहाँ पर फर्म व एजेंट का आपस में संबंध होता है। फिर असीमित दायित्व, यहाँ पर साझेदारों का जो दायित्व है उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं रहता बल्कि दायित्व की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। और यदि भविष्य में व्यवसाय में कोई नुकसान होता है तो साझेदारों के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वो नुकसान पूंजी तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसकी पूर्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से भी की जा सकती है। तो वो है असीमित दायित्व। इसके बाद हित का हस्तांतरण, कोई भी साझेदार अपनी मर्जी से बगैर अन्य साझेदारों की सहमति से अपने हित का हस्तांतरण अर्थात अपनी हिस्सेदारी
किसी और को नहीं दे सकता, अर्थात वो अपने हित का हस्तांतरण जो है वो किसी और को नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर जाना हमने साझेदारी की विशेषताएं। अब इसके बाद है साझेदारी के गुण या साझेदारी के महत्व है। तो यहाँ पर जो है पहली चीज जो है एक साझेदारी फर्म की स्थापना करना कैसी होती है, सरल होती है। संस्था की स्थापना सरलता से किसी कानूनी व्यवधान के की जा सकती है, इसकी स्थापना कम से कम व्यय होता है। फिर कुशलताओं का एकत्रीकरण, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर अपनी साधन पूंजी योग्यता अनुभव व ज्ञान का उपयोग मिलकर करते हैं, जिससे साधनों का तथा कुशलताओं का एकत्रीकरण हो जाता है। फिर लोचशीलता, साझेदारी में लोचता पाई जाती है, अर्थात इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। यदि पूंजी की कमी है तो एक्स्ट्रा साझेदारों के द्वारा पूंजी लगाई जा सकती है। फर्म का स्थान यदि हमें बदलना है, स्थान बदल सकते हैं। व्यवसाय का आकार हमें बढ़ाना है, उसका क्षेत्र बढ़ाना है या उसके उद्देश्य में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो ये हम कर सकते हैं। फिर जोखिम की बहनीता, साझेदारों में व्यवसाय की जोखिम का बंटवारा सभी साझेदारों में किया जाता है, अर्थात जो भी नुकसान होगा व्यवसाय की जोखिम है वो सभी में बराबर रूप से बंटवारा किया जाएगा। वित्तीय साधनों की अधिकता, एकाकी व्यवसाय की तुलना में साझेदारी में दो या दो से अधिक साझेदारों द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है जिससे वित्तीय साधन अधिक मात्रा में हो जाते हैं। इसके अलावा गोपनीयता, साझेदारी में अपने हिसाब किताब के लेखे को प्रकाशित करना तथा अपनी रिपोर्ट जमा करना आवश्यक नहीं होता, अतः साझेदारी व्यवसाय की गोपनीयता जो है वो बनी रहती है। फिर अंतिम बिंदु जो यहाँ है हमारे सामने, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, साझेदारी में काम करने तथा लाभ प्राप्त करने में प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतः यहाँ व्यक्तियों में अधिक परिश्रम करके अधिक लाभ कमाने की प्रेरणा पाई जाती है। चूंकि व्यवसाय लाभ कमाने की इच्छा से साझेदारी तय की जाती है और यहाँ पर साझेदारी द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है उससे जो लाभ होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से साझेदारों को लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ पर सभी साझेदार आपस में मिलकर अधिक परिश्रम करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। तो यहाँ हमने देखा साझेदारी के गुण व महत्व, इसकी सरलता में स्थापना करना होती है, कुशलताओं का एकत्रीकरण बेहतर हो जाता है, लोचशीलता हो जाती है, जोखिम का बंटवारा हो जाता है, वित्तीय साधन प्रचुर मात्रा में आ जाते हैं, इसमें गोपनीयता बनी रहती है, वहीं प्रत्यक्ष रूप से साझेदारों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो ये जो हैं साझेदारी के गुण व महत्व हैं। के दोष या सीमाएं क्या क्या हैं? सीमित साधन, यहां हम देखते हैं कि साझेदार दो या अधिकतम 20, बैंकिंग व्यवसाय की दशा में अधिकतम 10 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक या अधिकतम 20 साझेदारों के द्वारा ही व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है, तो संख्या सीमित होने के कारण साधन कैसे सीमित हैं और व्यवसाय का जो है हम आगे यदि विस्तार करना चाहते हैं तो अपेक्षाकृत विस्तार नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो है इसका विस्तार जो है वो एक सीमा तक हो पाता है, तो यहाँ साधन सीमित होते हैं। वहीं दूसरा दोष जो है वो है आपसी संघर्ष, यहाँ पर साझेदार हमेशा व्यक्तिगत हित के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं, अतः आपस में संघर्ष की भावना बनी रहती है जिससे संस्था के हित में सामंजस्य आपस में नहीं बैठ पाता। तो यहाँ पर दूसरा दोष जो है वो आपसी संघर्ष उनके बीच में बना रहता है। फिर तीसरा जो है असीमित दायित्व, यहाँ पर फर्म के दायित्वों के भुगतान के लिए साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग किया जाता है, इससे साझेदारों का मनोबल और जो साहस है वो क्रमशः क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर असीमित दायित्व होने के कारण भी जो है साझेदारों का मनोबल कम होता है, यदि भविष्य में कोई नुकसान होता है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग उसके लिए किया जा सकता है। फिर इसके अलावा निरंतरता में कमी, फर्म में जो मौजूदा साझेदार हैं उनमें से यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई दिवालिया हो जाता है या पागल हो जाता है या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी क्या होती, टूट जाती है, अनुबंध वहाँ पर समाप्त हो जाता है। वहीं
कभी कभी कोई एक साझेदार फर्म के समापन की मांग करता है तो भी साझेदारी समाप्त हो जाती है। अर्थात जो है इसमें निरंतरता बनी रहे ऐसा कहना उचित नहीं है, निरंतरता में अनिश्चितता बनी रहती है, कोई भी कारण हो सकते हैं, एक साझेदार के अलग होने से भी साझेदारी अनुबंध समाप्त हो जाता है। फिर बड़े उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है ये, साझेदारों की संख्या सीमित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं हो पाती और साथ में अपनी साझेदारी हित का हस्तांतरण करना कठिन होता है तथा दायित्व तो असीमित होने के कारण साझेदार पूंजी लगाने में डरते हैं। ऐसी स्थिति में बड़े उद्योग के लिए साझेदारी व्यवसाय जो है वो अनुपयुक्त होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये साझेदार के दोष या सीमाएं जो हैं, जिसमें सीमित साधन, आपसी संघर्ष, असीमित दायित्व, तो निरंतरता में कमी और बड़े उद्योगों के लिए ये अनुपयुक्त है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। एकल व्यवसाय से क्या आशय है, उसकी विशेषताएं लिखिए। एकल व्यापार के गुण व दोषों को समझाइए। क्या व्यापार में एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ है, समझाइए। और इस अध्याय में जो हमने अभी यहाँ पढ़ा है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से आशय एवं उसकी विशेषताओं को समझाइए तथा साझेदारी का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताओं को समझाइए और अंत में साझेदारी के गुण व दोष कौन कौन से हैं उनको समझाइए।